1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आपके पास 1.5 मीटर का लड़का है भवन से 30 मीटर दूरी पर, डेढ़ मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आपके पास एक भवन है और एक लड़का है और वे दोनों के दोनों भूमि के ऊपर खड़े हैं। चलो सबसे पहले बना लेते हैं एक भवन। तो दोस्तों ये हमारे पास है भूमि और एक हमारे पास है भवन। और एक हमारे पास है लड़का और जो हमारे पास भवन 30 मीटर का ऊंचा है और लड़का हमारे पास है 1.5 मीटर ऊंचा यानी कि लंबा। तो वह कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी कि वह इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है भवन की तरफ, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है यानी कि वह लड़का भवन को देखता हुआ जाता है। तो ये कोण मेरे पास 30 डिग्री है। सबसे पहले हम क्षैतिज स्तर बना लेंगे। तो ये लड़का आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर है 30 डिग्री। जब आगे की तरफ बढ़ता है तो जहाँ पर 60 डिग्री आएगा वहाँ पर आके वो आके खड़ा हो जाता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आके वो खड़ा हो जाता है और वो भवन के शिखर को देख रहे हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा ऐसे कुछ करके डायग्राम। तो ये मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया यानी कि आपने जो लड़का चल के गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं ले लेता हूँ x। तो ये वैल्यू भी x है तो ऊपर वाली वैल्यू भी मेरे पास होगी x के बराबर। x मीटर मैंने मान लिया इन दोनों को। तो ये मेरे को वैल्यू दे ही नहीं हुई है तो इसको मैं लेता हूँ y। तो ये भी y होगा तो ये भी मेरे पास y होगा क्योंकि दोनों समांतर हैं। अब हमें x का मान निकालना है। तो ये 1.5 मीटर है लेकिन मेरे पास जो समकोण बनेगा यहाँ से बनेगा तो मुझे इस नीचे वाली वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 30 में से 1.5 जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 28.5 मीटर। तो हम समकोण त्रिभुज बनेगा मेरे पास ए बी सी और डी से। सबसे पहले मैं ए बी सी से y का मान निकालूंगा, फिर a b d से y का मान मेरे पास पहले से आया होगा, x के मान में पुट कर देंगे हम वैल्यू को तो मेरे पास आंसर x का आ जाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ त्रिभुज a b c, समकोण त्रिभुज a b c के अंदर मुझे मतलब है ये वैल्यू है मेरे पास लंब और ये वैल्यू मेरे पास आधार है। तो लंब और आधार में मुझे रिलेशन देखना है। तो लंब और आधार में मेरे पास रिलेशन है टेन थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा बराबर है मेरे पास लंब बटे में आधार। लंब का मान मेरे पास है 28.5, ये मेरे पास है 28.5 और आधार का मान है मेरे पास वाई। ध्यान देना है अपने ए बी सी के अंदर देख रहा हूँ, मैं ए बी सी के अंदर देख रहा हूँ, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है अभी। तो टेन थीटा यानी थीटा मेरे पास यहाँ पर कितना है 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब मुझे 10 60 का मान देखना है। आपने याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे टेबल और फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ये मेरे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 28.5 भाग में वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास वाई का मान आ जाएगा 28.5
भाग में अंडर रूट 3, बटे में रूट की वैल्यू कभी भी नहीं रखते हैं हम स्टैंडर्ड के अंदर, तो अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 से भाग कर देंगे, परमीकरण कर देंगे हम हर का, तो मेरे वैल्यू हो जाएगी 28.5 गुना में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो मेरे पास सिर्फ आ जाएगा 3, सोल्व करेंगे 3 नीम 27, 5 फिर जाएगा ये 15, तो मेरा आंसर जाएगा 9.5 अंडर रूट 3, तो ये मेरे पास वाई का मान आ जाएगा मीटर के अंदर। और दोस्तों मेरे वाई का मान आ गया है, अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी डी के अंदर, मेरे पास लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान मेरा x प्लस वाई है, तो मैं यहाँ पर लंब और आधार में फॉर्मूला ढूंढूंगा, तो मेरा बनेगा भाई टेन थीटा लंब बटे में आधार, तो मैं लिख दूंगा टेन थीटा है मेरे पास लंब बटे में आधार, थीटा इसमें है मेरे पास 30 डिग्री, तो टेन मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री, लंब का मान मेरे पास है 28.5, आधार मेरे पास है एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स प्लस वाई, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, यानी कि यहाँ वैल्यू लिख दूंगा मैं 1/√3 इक्वल टू 28.5 एक्स प्लस वाई का मान मेरे पास यहाँ से आया हुआ है, तो मैं वाई का मान यहाँ से लिख दूंगा 9.5 √3, अब कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भाग में इधर आके हो जाएगा गुणा में एक्स प्लस 9.5 √3, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 28.5 गुना में हो जाएगा 3, ये प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास आंसर आएगा 28.5√3 माइनस का 9.5√3, दोनों में √3 है तो सबसे पहले मैं √3 लिख दूंगा, 5 में से 5 जाएंगे तो पॉइंट लगा के मेरे पास आ जाएगा 0, 8 है ये मेरा 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 9, यहाँ 1 बच जाएगा, तो यानी 19.0√3 है, ये पॉइंट के साथ 0 है, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 19√3 मीटर। दोस्तों यही है आपका उत्तर, यानी कि भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया है लड़का, 19√3 मीटर वह चल के गया।